हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। तो आज का हमारा लेक्चर है स्पेशल इंटीग्रल्स पे। आज हम स्पेशल इंटीग्रल्स देखने वाले हैं और इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पेशल इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स से स्टार्ट करने से पहले, एग्जांपल में जाने से पहले, हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। हम यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिस्ट अप करके आए हैं जिसमें आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं जिसमें एक्स एंड ए के टर्म्स हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो भी टर्म है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, वो आइदर पी बाई क्यू के फॉर्म में है या फिर डायरेक्ट स्क्वायर रूट के फॉर्म में गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट है और यहाँ पी बाई क्यू के साथ स्क्वायर रूट है और यहाँ सिंपली पी बाई क्यू के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं कि सिमिलैरिटी के साथ साथ चेंजेस हैं ऑफ साइंस। यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, बट एक्सचेंज होगी वैल्यूज़। और यहाँ पे अगर फॉर्मूला में देखें तो इन दोनों फॉर्मूला में आप देख सकते हैं सेकेंड एंड थर्ड में कि इस टर्म को हम जब फॉर्मूला आए तो हम इसे लॉग के रूप में भी लिख सकते हैं, लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दिया हुआ है बट यहाँ पे लॉग एंड ट्रिग्नोमेट्रिक बोथ हैं। इसी तरीके से यहाँ भी दिखा साइन एच इनवर्स के फॉर्म में है। तो ये सब जो है ये कुछ लेंथी फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, अदरवाइज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है सम फॉर्मूले का। बट जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने जाएंगे तो मे भी आपको इन सब फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल क्वेश्चंस में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दे देगा, सीधे सीधे फॉर्मूला मिलेगा बट उसके ऑप्शंस में ये सब दिए गए होंगे। तो आपको उस समय ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप चूज़ करेंगे, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा स्पेशल इंटीग्रल्स का एग्जाम्पल। हमारा पहला एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का टर्म देखा है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? हमने इंटीग्रेशन में कौन कौन से मेथड पढ़े हैं? हमने तीन मेथड पढ़े हुए हैं। कौन कौन से? हमारा पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड था बाई पार्ट्स मेथड एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। हमने इन तीनों मेथड को पहले ही इंटीग्रेशन के चैप्टर्स में देख लिया है। तो उनमें से सब मेथड को जहाँ पे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा उन सब मेथड को यहाँ अप्लाई करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा जो एक्स का टर्म है उसे हमें सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये कैसे होगा चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अगर आपने देखा होगा तो हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो इसी पे था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब उसका जो आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहले ही, बट हमें इसे कैसे आया वो देखना है, डिराइव करना है, हमें इसे पूरे सॉल्यूशन के थ्रू इसे डिराइव करना है। तो हम डिराइव करके देखते हैं कि कैसे आया। तो हमारा क्वेश्चन है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे सपोज करो हम यहाँ पे एक्स को ए टेन थीटा सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि एक्स बराबर क्या है, ए टेन थीटा है। यहाँ से अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? ए टेन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा एंड जी थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिल जाएगा? टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। एंड इसी को ही अगर हम थीटा की वैल्यू चाहें तो थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। इस तरीके से हम यहाँ पे कुछ रिक्वायर्ड चीज़ें हैं उसको हमने पहले ही यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लिया है। अब कहाँ ये क्वेश्चन में अप्लाई होगा वो आपको देखना है। हमारा क्वेश्चन था वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया? ए टेन थीटा। तो हम उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, ए टेन थीटा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा? हमारा डी एक्स का रिप्लेसमेंट है ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे हम इसे
पुट कर लेते हैं, ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रिप्लेस हो गया। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ए sec स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर एंड डी थीटा, ये हो गया। अब यहाँ से हम अगर ए स्क्वायर को कॉमन निकालते हैं डिनोमिनेटर से, तो ए स्क्वायर का टर्म यहाँ बाहर आ गया, और क्या बचेगा रिमेनिंग टर्म ब्रैकेट में, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन डी थीटा। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि ए एंड ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो हम ए को अब बाहर लिख सकते हैं, वन अपॉन ए sec स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है sec स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। अब यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो गए, क्या मिल जाएगा हमें, वन अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ वन डी थीटा, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ओनली थीटा, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद हमें अब थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके पहले ही रखी है, क्या है थीटा की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स बाई ए, हमारी वैल्यू क्या है, टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कांस्टेंट, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है, तो ये हमारी कैलकुलेशन से फॉर्मूला में जो लिखा हुआ था ऑलरेडी, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये यहाँ पे मिल गया। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि कैसे आया डेरिवेशन, तो हमेशा इस तरीके के डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगे, और इन सब चीज़ों को याद करके, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस से ही आएगी, सो डू मोर प्रैक्टिसेस, ओके। ये हमारा फाइनल आंसर था, इसी तरीके से आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ 21 अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर dx, ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। यहाँ पे हम एक छोटा सा चीज़ बहुत जो ज़रूरी है वो देखते हैं, ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जो है जो x स्क्वायर का टर्म है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, यूनिट कोफिशियंट के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उसके साथ कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, उसके साथ हमेशा एक होना चाहिए, हमेशा वन रहना चाहिए, उसका कोफिशियंट क्या होगा, हमेशा वन होगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ भी प्लस माइनस या डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा जिससे इसका कोफिशियंट जो है वो हमेशा वन हो जाए, उसके बाद हमें फर्दर कैलकुलेशंस करने हैं। सो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्वेश्चन है वन अपॉन 25 माइनस 9x स्क्वायर dx, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसे इस 9x स्क्वायर को यूनिट करने के लिए क्या करेंगे, इस 9 को हम कॉमन निकाल लें, बाहर निकालें तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन 9 बाहर आ गया, तो यहाँ पे 25 अपॉन 9 करेंगे तभी हमें सिंगल 25 मिलेगा ब्रैकेट के अंदर में, एंड देन माइनस x स्क्वायर dx, इस तरीके के कैलकुलेशन करने के बाद टर्म मिलेंगे। अब हम इसे क्या करेंगे, 1 अपॉन 9 बाहर लिख लेते हैं, एंड दिस वन विल बी 5 अपॉन 3 स्क्वायर, 25 अपॉन 9 को हम 5 अपॉन 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड देन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरीके के टर्म मिल जाएंगे हमें। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो 5 अपॉन 3 एक कांस्टेंट टर्म है, और एक्स स्क्वायर, एक्स के कोफिशियंट क्या हो गई, यहाँ से 1 हो गई है, वन हो गई एज इट इज़ हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने फॉर्मूला में देखा था कि एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के टर्म्स होते हैं, तो हमें इस फॉर्म में लाना पड़ेगा विथ यूनिट कोफिशियंट ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, ए की वैल्यू हमें यहाँ से दिख रही है 5 अपॉन 3। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म में चेंज हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टर्म में चेंज हो गया, तो ये कौन इंटीग्रेशन के कौन से फॉर्मूले में था, वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के कौन से फॉर्मूले में था, वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो आप पहले क्वेश्चन के जो फॉर्मूले हैं उसे आप नोट डाउन करके ज़रूर रख लीजिएगा अपने सामने, ताकि ये सब क्वेश्चन जहाँ पे अप्लाई हो वो समय आपको ईजिली अवेलेबल हो क्वेश्चन फॉर्मूला, और प्रैक्टिस करने के साथ वो धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे, तो आपको सामने रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपको प्रैक्टिस करना है बहुत सारे क्वेश्चन सेम सॉल्व करके, ताकि आप छोटे छोटे जहाँ पे माइनर चेंजेस होंगे उस पर ध्यान दे सकें।
जैसे प्लस माइनस यहाँ पे होगा। अब इसमें जैसे देखें तो ये क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला अब लगाते हैं। इसका फॉर्मूला है 1/2a, इसका फॉर्मूला है 1/2a। तो 2a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने यहाँ पे देखी 5/3 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में 5/3 यहाँ पे आ जाएगा लॉग। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो यहाँ पे क्या होगा, प्लस और माइनस का देखना है। जब a माइनस एक्स है तो हम यहाँ पे पहले प्लस लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5/3 प्लस एक्स अपॉन 5/3 माइनस एक्स डी, सॉरी डी एक्स नहीं होगा, प्लस सी, कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1/9 इंटू 3/2 इंटू 5 लॉग, यहाँ पे आप कैलकुलेशन खुद से कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3x/5 माइनस 3x प्लस सी, एंड यहाँ पे 3 3 3 3 9। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन हो गया, 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्रेजेंट हैं इसलिए, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू जो हमारी वो होगी 1/30 लॉग 5+3x/5 -3x + c। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/2a log a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, यहाँ पे क्या है हमारा स्क्वायर का टर्म आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज दी हुई हैं, तो अब हम उसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी सेम टर्म है बट यहाँ पे क्या है, 9 सेपरेट है और 25 उसका कोफिशियंट है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे कोफिशियंट को चेंज करना है, उसे 1 करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट को 1 करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। हमारा क्वेश्चन है 1/√9 - 25x² dx। इस तरीके से हमें मिल गया, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसको 1 बनाना है, कोफिशियंट को 1 करना है। तो क्या होगा, हम 25 बाहर ले लें, 25 इसमें से कॉमन निकाल लें, तो क्या बचेगा, 9/25 - x² ब्रैकेट क्लोज dx, इस तरीके का टर्म मिल जाएंगे। एंड देन हम यहाँ से 25 बाहर आएगा तो क्या बच जाएगा, 1/5 मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, 1/5 मिलेगा, एंड दिस वुड बी 3/5² - x² dx। ठीक है, इस तरीके का टर्म मिल जाएगा, स्क्वायर हो गया इसलिए 3/5, एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/5 कॉन्स्टेंट है इसलिए इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, एंड यहाँ पे देखते हैं कि क्या मिल रहा है, कि 3/5² है माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो टर्म है वो किस तरीके के इंटीग्रेशन में चेंज हो गया है, ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के टर्म में चेंज हो गया है। तो हम फॉर्मूला इसका अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मिलेगा साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब उसको यहाँ पे पुट करेंगे। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है यहाँ पे 3/5, ए की वैल्यू क्या है 3/5। यहाँ से आप देख सकते हो कि 1/5 कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ लिखेगा, एंड देन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो एक्स की वैल्यू क्या है एज इट इज एक्स, एंड ए की वैल्यू क्या है 3/5, क्या है 3/5 प्लस सी। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, 5x/3 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। हमें पहले क्या करना है, ध्यान में रखने वाली जो चीज़ है वो x का कोफिशियंट है, x के कोफिशियंट को हमें
ऑलवेज वन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है, क्योंकि उसके बाद ही हमें इस तरीके का फॉर्म मिलेगा, क्योंकि एक्स यहाँ पे क्या है, सिंगल है विदाउट एनी कॉन्स्टेंट टर्म। तो चलिए देखते हैं अब अगला एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ वन अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चेंजेस होंगे वो देखेंगे कि क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो हमें कौन सा काम करना है, हमें इंटीग्रेशन में वन अपॉन वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें से कोफिशियंट जो है उसे वन बनाना है। सबसे पहला काम हमारा वो है, तो हम पहले वो कर लेते हैं। फोर कॉमन आ गया, फोर के बाद वन अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वन था इसलिए यहाँ पे वन अपॉन फोर आ जाएगा, एंड देन डी एक्स ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया। अब यहाँ से फोर को हम बाहर निकालें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद वो क्या हो जाएगा, टू हो जाएंगे, इसलिए वन अपॉन टू वन अपॉन अंडर रूट वन बाई टू का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि फोर है और वन अपॉन टू का स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये इस तरीके के टर्म मिलेंगे। अब ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है हमें, ये जो टर्म आ गया ये है वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस चीज़ का फॉर्मूला है ये। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला है, तो अब इसमें कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा टर्म अप्लाई होगा, इसमें आ जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई होगा, लॉग एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ये जो वैल्यू है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, ए की वैल्यू क्या है, वन बाई टू, तो अब उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, लॉग वन बाई टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर, अरे इसको यहाँ पे इरेज कर लें, यहाँ पे अंडर रूट में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है वन बाई टू, हमें ए की वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, तो वन बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस सी वन, यहाँ पे सी वन क्यों ले रहे हैं वो हम आगे देखेंगे कि सी वन क्यों आया, ये एज इट इज होगा। अंदर के कैलकुलेशन को अब देखेंगे हम, लॉग एक्स प्लस ये जो वैल्यू है वन अपॉन टू है, तो वन अपॉन टू है तो क्या होगा यहाँ पे, फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर, ये अंडर रूट में है, अंडर रूट से जब बाहर आ जाएगा ये तो हमें टू मिलेगी, वैल्यू क्या हो जाएगी टू हो जाएगी, जब फोर है ये पूरा होल अंडर रूट में है, यहाँ पे ये ध्यान देना है, प्लस सी वन, इस तरीके का टर्म मिलेगा। तो जब ये टू जब बाहर आ जाएगा, जो ये जो फोर लिखा हुआ है ये जब बाहर आएगा तो हमें क्या मिलेगा, टू मिलेगा, लॉग, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन कहाँ होगा, इस एक्स के साथ में होगा, दैट इज़ बाई टू एक्स प्लस अंडर रूट फोर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू प्लस सी वन। यहाँ ये जो टर्म है टू वो क्यों आया, क्योंकि ये यहाँ पे वन बाई टू दिया हुआ था, क्या था यहाँ पे वन बाई टू दिया हुआ था हमारा जो पी बाई क्यू के फॉर्म में था, इसलिए जब भी लॉग ए बाई बी का फॉर्म मिले तो हमें क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं उसे लॉग ए माइनस लॉग बी ये लिखा जा सकता है, तो हम वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई करेंगे क्योंकि ये लॉगरिथमिक टर्म है तो वो फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, दैट इज़ वाई वन अपॉन टू लॉग टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस लॉग टू प्लस सी वन। यहाँ से लॉग टू मिल गया इस फॉर्मूले के कारण, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हो लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज़ वाई
लॉग ए की वैल्यू यहाँ पे 2x अंडर प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस लॉग 2। अब इस पूरे टर्म को, क्योंकि हम सी को बार बार नहीं लिख सकते, इसीलिए हम क्या करेंगे, सी को कंसिडर करेंगे। सी इज इक्वल टू सी वन माइनस लॉग टू, और इसे इस पूरे टर्म को सी से रिप्लेस कर देंगे। सो वन अपॉन टू लॉग टू एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यहाँ पे सब क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट होगा तो एक बार खुद से प्रैक्टिस करें पेन पेपर में, तो चीज़ें क्लियर होंगी। कहीं कहीं पे सॉल्यूशन आपको खुद से करने पड़ेंगे, छोटे छोटे कैलकुलेशन, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 6 ई टू द पावर एक्स प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, वो सॉल्यूशन के साथ आप देखते जाएंगे। पहला तो हमें इसे एक्सपोनेंशियल टर्म को ऐसे ही सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए वो सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना विथ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म जो हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, रिपीटेशन होता है इनका, दैट इज़ वाई इसको हमें हमेशा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करके ही सॉल्व करेंगे। e टू द पावर 2x प्लस 6 e टू द पावर x प्लस 5, तो अब क्या करेंगे, e टू द पावर x इज इक्वल टू t कंसिडर करेंगे, हम मान लेंगे e टू द पावर x इज इक्वल टू t, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल जाएगी इज इक्वल टू dt। यहाँ पे हम इसे पुट करेंगे, जब वैल्यू पुट करेंगे t करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा dt, क्योंकि ऊपर वाला जो टर्म है वो इससे रिप्लेस हो गया। अब यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। नाउ अब यहाँ पे हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, उसे हमें चेंज करके x स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस माइनस जो भी हो उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें कुछ तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, वो कैसे होगा वो थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 9 माइनस 9 प्लस 5, हमने यहाँ पे ये क्यों किया, प्लस और माइनस 9 करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि लेकिन हम इसका यूज़ करके इस क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। हमने यहाँ पे 9 ही क्यों लिया, क्यों, क्योंकि ये जो है 3 का मल्टीपल होता है, 9 जो है 3 का मल्टीपल है और 6 भी है, तो इसका रिलेशन होगा वो आपको क्वेश्चन में जो भी प्रेजेंट डेटा होगा, जो भी प्रेजेंट नंबर होगा, उसको ध्यान में रख के चूज़ करना है ये नंबर कि यहाँ पे क्या प्लस माइनस करना है आपको। यही हैबिट है, आपके प्रैक्टिस से आएगी, दैट इज़ वाई यहाँ पे हम जब 6 प्लस 9 ये एक टर्म लेंगे और इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस 9 प्लस 5, इन दोनों को सेपरेट करेंगे और इतना को सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करके आपको उसके कोफिशियंट लाने हैं, आपको टी के कोफिशियंट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक टी स्क्वायर है तो टी के दो कोफिशियंट मिलेंगे। वो कैसे मिलेंगे वो आपको सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, टी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ आपको खुद से सॉल्व करना है इसको, डू इट योर सेल्फ। नाउ डी टी अपॉन टी प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, दैट इज़ वाई 2, तो a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 2 होगी, और ये फॉर्मूला क्या होगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इस टर्म में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब हम उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है, 1 अपॉन 2a, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 1 अपॉन 2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये होता है इसका फॉर्मूला प्लस c। तो ये चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन 2 का 2 हो गया, a की वैल्यू 2 है, इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, एंड देन log
एक्स एक्स की जगह में हमारा क्या है टी प्लस थ्री, एक्स की वैल्यू क्या है टी प्लस थ्री माइनस टू अपॉन टी प्लस थ्री प्लस टू एंड सी। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं, टू इंटू टू फोर लॉग टी, यहाँ पे प्लस वन होगा आफ्टर कैलकुलेशन एंड टी प्लस फाइव प्लस सी, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन। बट हमें टी को फिर से ई टू द पावर एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे वन अपॉन फोर लॉग ई टू द पावर एक्स प्लस वन अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस फाइव प्लस सी, ये है हमारा फाइनल आंसर। हमें अपना सब्सटीट्यूशन को फिर से ओरिजिनल टर्म में चेंज करना ही है, इसलिए आफ्टर चेंजिंग दैट हमारा फाइनल आंसर मिल गया हमें। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूले को प्रैक्टिस करने के लिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक ही फॉर्मूले पे कम से कम चार पांच क्वेश्चंस करिए अलग अलग डेटा लेके, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा सारे का जो भी यहाँ पे ट्रिक्स अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में हम इसका एक अदर टाइप का, जो स्पेशल इंटीग्रल का ही अलग एक थर्ड टाइप है, उस पर हम लेक्चर बनाएंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। देन हमारा ये चैप्टर जो है इंटीग्रेशन का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सो टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे फोकस्ड एंड कनेक्टेड बाय आवर यूट्यूब चैनल या क्लासेस। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।